लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए News29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का News29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। भारतीय जनता पार्टी का 40वां स्थापना दिवस सोमवार को पूरे प्रदेश में मनाया गया, जो कोरोना वायरस से लड़ रहे योद्धाओं को समर्पित रहा। पार्टी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों ने कोरोना योद्धाओं के सम्मान में एक दिन का उपवास किया और उनके प्रति आभार जताया। इस बार पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम की खास बात यह रही कि कोरोना महामारी को देखते हुए कहीं भी भीड़ एकत्र नहीं होने दी गई और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया। पार्टी के स्थापना दिवस पर मुख्य आयोजन पार्टी के प्रदेश कार्यालय पंडित दीनदयाल परिसर में हुआ। यहां प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने पार्टी का ध्वज फहराया। उन्होंने भारत माता की आकृति पर पुष्प अर्पित किए। इसके उपरांत उन्होंने प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत, प्रदेश उपाध्यक्ष विजेश लुणावत सहित पार्टी पदाधिकारियों के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, स्वर्गीय कुशाभाव ठाकरे एवं राजमाता सिंधिया की प्रतिमाओं पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ब्यूरो रिपोर्ट, News29 इंडिया। पार्टी के हमारे स्थापना दिवस को उन लोगों को समर्पित करेंगे जो लोग आज इस महामारी के कारण से पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं और जो आज गंभीर संकट में हैं। इसलिए हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर आज बहुत छोटे छोटे एक ग्रुप्स में, आज आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में भी कुछ लोगों ने ही ध्वजारोहण करके हमने स्थापना दिवस को आज हमने मनाया है। और आज के समय में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि आज के दिन हम अपने एक दिन का स्वयं का उपवास करके उन लोगों को समर्पित करें जो कोरोना महामारी के संकट से पीड़ित हैं। आज के दिन हम 40 लोगों से मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है कोरोना की को देखते हुए कि पीएम केयर फंड के अंदर 100 रुपये उन लोगों को हम देने का प्रयास करें, ये भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने जो आज निर्णय किया है। दूसरा, आज पूरे देशभर के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर सभी बूथों पर आज आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से सभी कार्यकर्ता अपने अपने स्थान पर घरों में अपने भारतीय जनता पार्टी के ध्वज का ध्वजारोहण करेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चित्र पर माल्यार्पण करें, मोमबत्ती अगरबत्ती लगाएं, पुष्पांजलि करें, जो भी संभव हो सकता है अपने घर के अंदर वो करें। साथ में ही हम अगर 5 पैकेट भोजन, जो हमारा आह्वान था 5 पैकेट भोजन दे रहे हैं, तो आज हम 1 पैकेट और बढ़ा करके दें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए News29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।